क्या हाल चाल भाई लोग। तो इस सज्जन का नाम है कुलदीप सिंघानिया। भले ही भाई का नाम कुलदीप है लेकिन ये अपने कुल का दीप पहले ही बुझा चुका है। अभी कुलदीप भाई अपने मोटिवेशनल वीडियोस के लिए जाने जाते हैं, तो आइए कुछ मोटिवेशन हम भी ले लेते हैं। जीवन में कभी फेल हो जाओ, डीमोटिवेटेड फील करो, गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि वो क्या है ना लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसानों को नहीं। सिंघानिया साहब शुक्र मनाओ कि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठा रहे हैं, वरना तुम्हारा मोटिवेशन सुन के तो जूते चप्पल और लट भी उठ सकते हैं। What's the first law? अरे किसका फर्स्ट लॉ पूछ रहे हैं? बोला ना कोई बीच में नहीं बोलेगा। Tell me, what's the first law of physics? फिजिक्स का कौन सा फर्स्ट लॉ होता है? अरे न्यूटन का पूछ रहा होगा, लेकिन ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ फिजिक्स बोला। चूतिया है साला। अरे कोई बीच में नहीं बोलेगा। मिजाज में कभी कभार सख्ती रखनी पड़ती है हुजूर। कुलदीप भाई नरम है तो नरम है, सख्त है तो बिल्कुल सख्त है। बिल्कुल मेरे नुन्नू जैसा। अच्छा बात, न्यूटन अंकल जिंदा नहीं है, वरना इसका ये वीडियो देख के आज फिर मर गए होते। अब तुम सोच रहे होंगे कुलदीप भाई ऐसा मोटिवेशन आखिरकार लाते कहां से हैं? तो अपने खतरनाक मोटिवेशनल स्पीचेस से पहले कुलदीप भाई टिकटॉक पर मुजरा किया करते थे। अब जब करियर की शुरुआत ही टिकटॉक से हुई है तो कंटेंट में क्वालिटी की बात तो हम कर ही नहीं सकते। पहले इनकी गंदगी सिर्फ टिकटॉक पर मिलती थी, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मिल जाती है। When you are alone at home with your girlfriend. ये घर में अकेला है, गर्लफ्रेंड इसके साथ है, लेकिन ये फिर भी लड़की छेड़ने वाली हरकतें कर रहा है। भले ही घर में जिंदा वॉशिंग मशीन रखी हो, लेकिन भाई कपड़े हाथ से ही धोएगा। सही है सही है सही है। क्या जीवन में शांति चाहिए? एक सेकंड होल्ड करना। तो लोगों की छोटी छोटी बेवकूफी भरी बातों पे अननेसेसरी भड़कने से अच्छा है एक बार उनकी पूरी बकवास सुन लो और फिर एक बार दिल से मन में कह दो पागल है बेचारा। अनजाने में ही सही कुछ तो सही बोला, तेरे वीडियोस देखने के बाद भी लोग यही बोलते हैं पागल है बेचारा। माया ओ। जिम जाते हो तो बैक की एक्सरसाइज करना कभी मत भूलना, क्योंकि वो क्या है ना शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। कुलदीप भाई तुम बैक की नहीं हिप की एक्सरसाइज किया करो, क्योंकि बैक से ज्यादा खतरा तुम्हें वहीं पर है। और रही बात शाबाशी की, तो वो तो तुम भूल ही जाओ। आई लव यू यार, चलो ना शादी कर लेते हैं भाग के। पापा मान गए? कहां मान गए, इसीलिए तो भाग के शादी करने को बोल रही हूँ। कैसे ले जाऊं तुझे तेरे पिताजी की मर्जी के बगैर? कल को मैं भी तो एक बेटी का बाप बनूंगा। मुझे तो दया आ रही है उस बेचारी बेटी पे जिसका बाप ये बनेगा। और प्यार करने के लिए इस लड़की को भी यही लड़का मिला। बहन माना कि तेरी शक्ल खराब है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है। अब ऊपर वाला ही जाने इसके घर वालों ने इसको घर में जगह कैसे दे रखी होगी। बेचारे वो भी सोच रहे होंगे बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूं मैं कि क्या बता। अभी देखने सांस में कुछ गया है क्या? निकल गया कुछ समझे भाई? आंख का कचरा तो निकलवा लिया, अब तू दिमाग का भी निकलवा ले। जितना ये फ्रेम में दिखता है ना बिना हाथ पैर के, वैसी ही बातें करता है बिना हाथ पैर की। भैया मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन जो हमारी लव लाइफ है ना वो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आई मीन उसका मुझ में से इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। घर पे कपड़े कैसे पहनता है? मतलब वर्क फ्रॉम होम है ना तेरा, पूरे दिन घर पे ही रहता है। हाँ। तो घर पे कपड़े कैसे पहनता है? जैसे पुराने इल फिटेड फेडेड कुछ भी पहन लेता है, ऐसे मिकी माउस जैसी शक्ल के कपड़े, या फिर कुछ और पहनता है? यही पहनता है। हाँ। तो फिर लव लाइफ तो खराब ही होगी ना भाई। आई मीन आई डोंट नो ये इजाद किसने किया है कि आप घर पे हो तो आप कुछ भी पहन सकते हो। अरे घर का भी एक आउटफिट होता है। वाह बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानो। इसका स्क्रू ढीला नहीं कतई गिर चुका है। भाई का बस चले ना तो ये सेक्स की भी प्रॉपर आउटफिट लॉन्च कर दे। भैया आज मेरा बर्थडे है। अरे वाह हैप्पी बर्थडे यार। थैंक यू भैया। पर भैया मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ पूछना। ये बर्थडे रियल में क्या है? आई मीन लोग इस दिन को इतना सेलिब्रेट क्यों करते हैं? बर्थडे प्रॉबेबली एक इंसान की जिंदगी का वो इकलौता ही दिन होता है जब वो खुद रो रहा होता है और उसके माँ बाप के चेहरे पे एक स्माइल होती है, खुशी होती है। बिकॉज आई डोंट थिंक उस दिन के बाद कभी ऐसा दिन आता है या आएगा जब एक बच्चा रो रहा हो और उसके माँ बाप के चेहरे पे खुशी हो। दैट्स व्हाई आई गेस उसे बर्थडे कहते हैं, एंड दैट्स व्हाई लोगों के लिए वो दिन बहुत स्पेशल होता है, एंड इसीलिए लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं। हग दिया। इस वीडियो को मैंने 5 बार पोज करके देखा, लेकिन अभी तक मेरे को यह समझ नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब अगर किसी का बर्थडे मनाने का मन भी कर रहा हो ना तो इस वीडियो को देखने के बाद वो भी बदल जाएगा। इतना ही नहीं, रिसेंटली कुलदीप भाई ने एक न्यू सीरीज लॉन्च की है हाउ टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। अब ये तो ऊपर वाला ही जाने जिसके खुद के कंटेंट की लंका लगी हुई है वो दूसरों को कंटेंट क्रिएटर कैसे बनाएगा। चलो यार इनकी बकचोदी तो ऐसे ही चलने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन है उसको भी दबा देना।